Let's do question number 5th of exercise 16, that is presentation of data in tabular form. Question number 5th is the four blood groups of 30 students of a class are recorded as under. Friends, 30 students ke hume blood record groups de rakhe hain. Kaun kaun se de rakhe hain, wo likh lete hain. A, B, O, O, A, B, O, A, O, A, B, O, B, A, O, O, A, B, O, A, O, O, A, B, B, A, O, B, A, B, O. Friends, ye 30 students ke ब्लड ग्रुप्स के रिकॉर्ड हैं और हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं. फ्रेंड्स एक बार काउंट कर लेते हैं कि 30 हैं कि नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, right? ये 30 students के ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं. तो अब हम कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट पार्ट ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें. ए है, बी है, ओ है और ए बी है. ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं. अब हमें टैली मार्क बनाना है और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें क्या निकालना है हर एक ब्लड ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. राइट नाउ अब देखिए पहला है ए, देन बी, देन ओ, फिर अगेन ओ, ए बी, ओ, ए, ओ, नेक्स्ट ए, बी, ओ, बी, ए, ओ ओ दो बार, नेक्स्ट ए, ए बी, ओ, ए, ए, अगेन ओ, ओ, नेक्स्ट ए बी, बी, ए, ओ, बी, ए, बी, ओ. राइट अब इसको काउंट कर लीजिए. देखिए 5 पे ऐसे क्रॉस होता है तो 5 और 4, 9 हो गए. दिस इज 5 एंड 6 हो गए. देन 10 एंड 12 हो गए और ये कितना आ गया 3. अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, लेट्स सी. सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट. मोस्ट कॉमन मीन्स सबसे ज्यादा यूज कौन सा हुआ है और रेयरेस्ट मीन्स सबसे कम यूज कौन सा हुआ है. तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन. फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप यूज हुआ है तो ओ इज द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट मीन्स सबसे कम कौन सा हुआ है, 3 किसका है, ए बी का. तो ए बी इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.